अनअकैडमी ला रहा है ऑल इंडिया रैंकर समिट फॉर सीएसआईआर यूसी नेट, जो कि होगा आपका मार्च 13th और 14th 2021 को। दो इंसाइटफुल डेज रहेंगे, आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। द वन हु हैव क्रैक्ड इट विल टेल यू हाउ जर्नी टू जेआरएफ, प्रिपरेशन स्टडी, पीएचडी गाइडेंस, कैरियर आफ्टर सीएसआईआर यूसी नेट एंड मोटिवेशनल टॉक, अ लिस्ट ऑफ curated sessions to help you navigate the complexities of the exam with ease. From tips and tricks to preparation strategies, CSIR UCNET toppers chronicling their journeys. The event is especially designed to help you in your journey of cracking CSIR UCNET. So you can register now by using the link given in the description. और एक चीज क्या है यहाँ पे, अनअकैडमी एक्सेलरेट लेके आ रहा है, जहां पे आपके पास चांसेस है कि आप 100% स्कॉलरशिप जीत सकते हैं सीएसआईआर यूसी नेट सब्सक्रिप्शन पे। मार्च 14 को संडे 12 से बजे से लेके 1 बजे तक आपका ये वो होगा, टेस्ट होगा, इनरोल आप कर सकते हैं। जहाँ पे आपको फिजिकल साइंसेस के लिए है ये 30 questions, वहां पे आपको मिलेंगे। ये रहा आपका स्ट्रक्चर, रैंक 1-2 ले आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलता है, 3-10 75% स्कॉलरशिप, 11-35 50% स्कॉलरशिप, और 36-150 के बीच में आता है तो 25% का आपका स्कॉलरशिप मिलता है। ये है इसके आपके टर्म्स और कंडीशंस, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, केमिकल साइंसेस के लिए भी सेम चीज है, आपके पास मौका है कि आप इसके लिए भी अगर आप इनरोल करते हैं तो आपके पास मौका है कि आप 100% स्कॉलरशिप जीत सके। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है, रैंक 1-2 100%, 3-10 75%, 11-35 50% और 36-150 25% का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। ओके, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी प्लस या अनअकैडमी आइकॉनिक, तो आपके पास चांस है कि आप जो भी फाइनल प्राइजिंग होगी उसको आपका एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज करते हैं हमारे चैनल का रेफरल कोड botany10। ओके, तो सारे चीज के डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के सारे चीज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इनरोल कर सकते हैं और मेरा रेफरल कोड botany10 यूज करना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। चलते हैं हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उस पे। हम कौन सा पार्ट करा रहे थे आपका, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, 3 पार्ट इसके हो चुके हैं, चौथे पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन मोल्ड। ब्लू ग्रीन मोल्ड हम कॉमनली किसको बोलते हैं, पेनिसिलियम, एस्परजिला, सेरेसाइफिया, म्यूकर को। तो आप जो देखेंगे पेनिसिलियम जो है आपका, जिस भी सबस्ट्रेट पे ये ग्रो करता है, तो ये जो इसका कॉलोनी टाइप का है, जो भी है कॉलोनी, ये इसका ब्लूइश ग्रीन टाइप का दिखता है, तो इसीलिए इसको कॉमनली हम ब्लू ग्रीन मोल्ड बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा है आपसे नेक्ड SIR फाउंड इन SI नेक्ड किस में पाए जाते हैं। तो देखिए, जो आपका इसको स्पोर्ट्स बनते हैं वो किसके अंदर बनते हैं, इसकस के अंदर बनते हैं, और बहुत सारे इसकस को हम SI बोलते हैं। अब इसको माइकोटीना के अंदर ये जो आपका है SI, वो यूजली कवर्ड आपको मिलेंगे। ठीक, फ्रूटिंग बॉडी जो उसका रहता है, जैसे क्रिस्टोसीसिया हो गया, पेरीथीसिया हो गया, एपोथीसिया हो गया, उसके अंदर SI रहते हैं। पर कुछ कुछ में जो होता है SI नेक्ड रहता है, ठीक है, वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता जो उसको कवर किए रहता है। तो इसका एग्जांपल आपको किस में मिलेगा, टफ्राइन में मिलेगा। नेक्ड SI प्रोड्यूस एक्सपोज्ड ऑन द प्लांट सरफेस दैट इज नॉट इन एन एस्कोकार्प। एग्जांपल क्या है इसका, टफ्राइना डिफॉर्मेंस, जो क्या कॉज करता है, पीच लीफ कर्ल कॉज करता है ये डिजीज। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। अ फंगस हुज एग्जैक्ट extract of sclerotia can be chemically altered to produce a powerful hallucinogenic drug is, कह रहा है इसमें से किसका कौन सा फंगस है जिसका sclerotia से का extract जो होता है उसका use करके हम powerful hallucinogenic drug बनाते हैं। तो sclerotia आपको पता होगा perennating structure होता है haifa का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा haifa congested हो जाता है। ठीक, वो क्या बनाता है, sclerotia बनाता है। तो क्लेविस्पस परप्यूरिया जो है आपका, ये जो हेलुसिनेटिक ड्रग है, ये क्या है आपका, LSD। इसका फुल फॉर्म क्या है, लिसर्जिक एसिड डाई इथिलामाइड, आल्सो कॉल्ड लिसर्जाइड। ये पटेंट सिंथेटिक हेलुसिनेटिक ड्रग है दैट कैन बी डिराइव फ्रॉम द एरगट एल्कोलाइड्स, मतलब एरगट एल्कोलाइड होते हैं उनसे, जैसे कि एरगोटामीन, एरगोटानोविन,
प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एरगट, जो एरगट के प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट होते हैं। और ये क्या करता है, ग्रेन डिफॉर्मिटी और टॉक्सिक इन्फेक्टेंट होता है फ्लोर कॉज बाय फंगस क्लेविसस परप्यूरिया। तो ये आपका क्लेविसस परप्यूरिया है, ये जो फंगस है इसकी वजह से ये डिजीज होता है। अभी आप डिजीज भी आगे आएगा, तो ये इसमें स्क्लेरोशिया बनाता है पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर, उससे हम एलएसडी निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे आप देखेंगे वही क्वेश्चन पूछा गया है, एरगट डिजीज ऑफ राई। तो ये क्या कॉज करता है, क्लेविसेप्स आपका एरगट डिजीज ऑफ राई कॉज करता है। ठीक, वही है, एरगट इज अ फंगल डिजीज कॉज बाई फंजाई ऑफ द जीनस क्लेविसेप्स। स्पीसीज इन दिस जीनस आर यूनिक इन दैट दे ओनली इन्फेक्ट ओवरीज ऑफ द होस्ट प्लांट। अब इस डिजीज में होता क्या है, जो क्लेविसेप्स होता है ये केवल होस्ट प्लांट के जो ओवरी होता है वहीं पर ये इन्फेक्ट करता है। ठीक, देयर आर अप्रॉक्सिमेटली 40 स्पीसीज ऑफ क्लेविसेप्स विच विथ सी परप्यूरिया बींग द स्पीसीज ऑफ ग्रेटेस्ट कंसर्न। अभी यही जो आपका है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, यही इसका इंपॉर्टेंट स्पीसीज है इस जीनस में जो एरगट डिजीज ऑफ राई कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, आपसे पूछा है एप्पल स्कैब डिजीज इज कॉज बाय। एप्पल स्कैब डिजीज किससे होता है, तो ये जो मैंने आपको टेबल दिया था उसमें है एप्पल स्कैब ऑफ डिजीज। ये क्या है आप ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया वैक्टीरिया नहीं है ये, इसको माइकोटीना का मेंबर है। कौन सा फंगस है, वेंटुरिया इन एक्विलिस है ये फंगस, ये आप सिम्टम देख सकते हैं सेब के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, पूछा है आपसे फर्टाइल लेयर बियरिंग एसआई और बेसिडिया इज नेम्ड एज। अब देखिए मैंने आपको बोला जो एस्कोस्पोर्स रहते हैं एसआई के अंदर बनते हैं, मतलब एस्कस के अंदर प्यूरल इसका एसआई है, ऐसे बड़ी बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो बेसिडिया या बेसिडियम के अंदर बनते हैं। अब ये जो है आपके, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, मान लीजिए क्या है बेसिडिया है ये, तो ये जो है ये फर्टाइल लेयर के ऊपर ग्रो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइमेनियम बोलते हैं। ठीक, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रस्ट डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय या बेसिडियोमाइसिस। देखिए रस्ट डिजीज होता है, आपको पता है बेसिडियोमाइसिस में क्या होता है, रस्ट किसके द्वारा कॉज होता है, पक्सीनिया। स्मट क्या कॉज करता है, यूस्टिलागो। रस्ट कौन कॉज करता है, पक्सीनिया। तो जो पक्सीनिया जीनस है ये रस्ट कॉज करता है, लेकिन इसमें जो पूछा है कौन सा इसमें से बेसिडियोमाइसिस के मेंबर द्वारा नहीं होता, तो ये ब्राउन रस्ट है वो बेसिडियोमाइसिस का है, येलो स्ट्राइप रस्ट भी है, ब्लैक रस्ट भी है, लेकिन जो व्हाइट रस्ट है आपने पढ़ा होगा व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स, वो किसके द्वारा होता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा, और वो किसका मेंबर है, मैस्टिगो माइकोटीना का मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, पूछा है आपसे मशरूम पफ बॉल्स टोड स्टूल बिलोंग टू द क्लास, किस क्लास से बिलोंग करते हैं, फाइकोमाइसिस एक्सकोमाइसिस बेसिडोमाइसिस और ड्यूटेरोमाइसिस। तो जो आपके मशरूम्स होते हैं पफ बॉल्स होते हैं टोड स्टूल्स होते हैं, ये आप जब बेसिडियोमाइसिस पढ़ते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। अब इसका अलग अलग नाम रखा है, जैसे पफ बॉल्स है ये फंजाई है, इसका इसलिए नाम ऐसा पड़ा है, बेसिडियोमाइसिस के मेंबर ही है, क्योंकि ये जब इनका वो होता है फ्लूटिंग बॉडी बस्ट होता है तो डस्ट लाइक स्पोर्स निकलते हैं, तो इसीलिए इसको पफ बॉल्स बोला जाता है। देखिए इसमें कौन कौन से जीनस आते हैं, कुछ कॉमन क्लेविशिया कैलोविस्टा लाइकोपेड्रॉन हो गए। टोडस्टूल की बात करें तो ये अनसाइंटिफिक लेबल है, मतलब टोडस्टूल आप किसी कह नहीं सकते ये किसी ये जीनस है ये स्पीसीज है, कॉमनली बोला जाता है कुछ मशरूम्स को बोला जाता है, बाकी मशरूम तो आप जानते हैं, तो मशरूम से आप पिक कर सकते थे कि ये सारे क्या हैं, बेसिडियोमाइसिस के मेंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मशरूम इज पॉइजनस, आपको इसमें से पॉइजनस मशरूम के बारे में बताना था। एगेरिकस आप जानते हैं कॉमनली मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड आपका फंगस है बेसिडियोमाइसिस, और जो इसमें बोलिटस है वो भी एडिबल होते हैं, जैसे कि बोलिटस यूडलेस बोलिटस एरियसिस ये सब हो गए। अब आपका क्या आ गया, प्लूरोटस। प्लूरोटस आप देखेंगे ये भी गिल्ड मशरूम्स होते हैं जो कि मोस्ट वाइडली ईटन मशरूम्स हैं, ये भी आते हैं। अब आपका बचता है एक, वो क्या है आपका कॉप्रिनस या कॉप्रिनोपसिस अट्रामेंटारिया, ये आप कह लीजिए एडिबल तो है, लेकिन ये एल्कोहल एल्कोहल के साथ आप इसे कंज्यूम करते हैं तो ये पॉइजनस होता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, क्लैम्प कनेक्शन, ये भी काफी कॉमनली पूछा जाता है क्लैम्प कनेक्शन, और क्या होता है आपका एक डॉलीपोर सेप्टम, ये किसका फीचर है, तो आप हमेशा याद रखिए क्लैम्प कनेक्शन और डॉलीपोर सेप्टम दोनों किसका फीचर है, बेसिडियो माइकोटीना का है। बेसिडियो माइकोटीना कहाँ पर आता है, फंजाई। तो आप क्या बोलेंगे, क्लैम्प कनेक्शन कहाँ पर पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है। ठीक, ये देखिए क्लैम्प कनेक्शन कैसे बनता है, जो लास्ट वाला वो होता है अल्टीमेट सेल आप कह लीजिए, इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं हेट्रोकैरियन, तो
तो दोनों में क्या होता है, माइटोसिस होता है, ए के दो हो जाते हैं, बी के दो हो जाते हैं। अब क्या होता है, इसको सेपरेट करने के लिए एक ये ब्लैक वाला ये व्हाइट सर्कल, दोनों को सेपरेट करने क्या होता है, एक इसमें से मूव करके दूसरे में जाता है, इसे फ्यूज हो जाता है, यहाँ पे सेप्टा फॉर्म हो जाता है। तो अब दोनों ए बी हो गए, पहले ए बी था उसके बाद ए बी हो गए। ये है क्या आपका क्लैम्प कनेक्शन होगी, इसे बोलते हैं क्लैम्प कनेक्शन। क्लैम्प कनेक्शन इज कॉमनली फाउंड इन किस में मिलता है, मैंने आपको बोला ही किस में मिलता है, ये बेसिडियोमाइसीट्स में मिलता है, फंगस में, किस में, बेसिडियोमाइसीट्स में। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, आपसे पूछा है डॉलीपोर सेप्टम किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब डॉलीपोर सेप्टम जो है कहाँ पे आपको मिलता है। मैंने आपको अभी बताया कि बेसिडियोमाइसीट्स में ही आपको डॉलीपोर सेप्टम देखने को मिलेगा। सेप्टम तो होता है आपको पता है, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स में, ठीक, सेप्टेट हाइफी होता है, पर सेप्टम में सिंपल पोर हो सकता है, डॉलीपोर सेप्टम हो सकता है। सिंपल पोर में सिंपल पोर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए ऐसे आता है, ये जो सेप्टम है यहाँ पे, इसमें होल तो रहता है पर ये फूला हुआ स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पे, प्लस इसमें आपको पैरेंथोजोम दोनों साइड देखने को मिलेंगे, जो एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हुए होते हैं। तो ये स्पेशलाइज चीज़ें हैं जो बेसिडियोमाइसीट्स का फीचर है। तो ये थे आपके और 12 क्वेश्चन, ठीक, बाकी के जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कराऊंगा अगले पार्ट में। देखते रहिए आप आपका चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।